ऐसे मजाक ही मजाक में एज अ प्रोजेक्ट हमने ये बिजनेस शुरू किया हमने मात्र तीस हज़ार रुपये से शुरू किया था पहले ही साल में हमने एक करोड़ का रेवेन्यू किया ये इतना आसान नहीं मुझे याद है मेरे एक रिलेटिव ने कॉल किया था और जब उन्हें पता चला कि वो इतने सरप्राइज और शॉक थे और उनका रिएक्शन बहुत गंदा था कि तुम ये काम क्यों कर रही हो काफ़ी बार मैं भी अपने आप को डाउट करती थी कि मैं क्या कर रही हूँ क्या एम एडमिशन छोड़ना सही था या नहीं था क्या हमें कभी एक्चुअली रियल सक्सेस मिलेगी या नहीं आप एक ऐसी वर्किंग फीमेल है जिसको सात बजे घर आना पड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि घर पे आके डिनर बनाना है या आपको लगता है कि आपका दो साल का बच्चा है और मैं बच्चे को घर कैसे छोड़ के जाऊँ क्योंकि अः पीछे से कौन बच्चे को संभालेगा क्या आप भी ऑफिस और घर संभालने के बीच में फंसे हुए हैं और क्या आपको लगता है कि आपको अपना करियर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा घर संभालने के लिए तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज आपको मेरी कहानी में मिलने वाला है हाय मेरा नाम निहारिका है और मैं ब्रूमिज की फाउंडर हूँ मैं आपको आज बताऊंगी कि मैं जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक स्टार्टअप करेगी मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया और स्टार्टअप को शार्क टाइम तक पहुँचाया ये मैंने कैसे किया मैं आपको आज बताऊंगी इससे पहले बहुत सारे और पड़ाव रहे जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी मेरा जन्म दिल्ली में हुआ एक एजुकेटेड परिवार में हुआ जहाँ पर मेरे मॉम डैड चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं और हमेशा से ही बचपन से ही फोकस स्टडीज़ पर बहुत था मेरे मॉम डैड ने हमेशा मुझे हर प्रिविलेज दी मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ ज्वाइन करी और अपने आप को एक बहुत आ, बहुत सारा एक्सपोजर दिया मैं एक बहुत ही एक्स्ट्रोवर्ड किड थी पर ये सब कुछ इतना रोज़ी नहीं था बचपन में कॉलेज के टाइम पे और स्कूल के टाइम पे मुझे बहुत बुली किया गया मेरे कलर को लेके मुझे सोलर एक बोलते थे और कपड़ों के बारे में मजाक उड़ाते थे बीस लोगों के गैंग में उन्नीस लोग मुझसे बात नहीं करते थे और आ, मजाक मजाक में बचपन में ये सब हो जाता है पर आप पे वो क्या असर करता है आ, ये बहुत आ, बहुत बाद में पता चलता है मैं एक एक्स्ट्रोवर्ट किड थी और फिर मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हो गई आ, बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट हो गई पर मैंने आ, इसको इतना दिल पे नहीं लगाया और आ, मैं अपना काम करती चली गई आ, मैंने बहुत मेहनत करी मैं स्टडीज़ में बहुत अच्छी थी ट्रेन डांसर थी एक स्टेट लेवल एथलीट थी और इन्हीं चीज़ों की वजह से अपनी हार्डवर्क की वजह से मेरे टेंथ ट्वेल्थ में भी मार्क्स बहुत अच्छे आए डिस्टिंगशन आई और मैं हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैचलर्स ऑफ कॉमर्स करने के लिए गई वहाँ पर मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया बहुत सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट किया लीडरशिप रोल्स लिए सोसाइटीज़ को स्क्रैच से स्टार्ट किया विनिंग पोजिशन्स तक पहुँचाया और इन सब एक्सपीरियंस के ज़रिए मैंने एक बहुत अच्छी जॉब भी पाई मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म में जहाँ पे मैंने दो साल काम किया मेरा हमेशा से सपना था कि मैं हाई पेइंग एमएनसी जॉब लूँ कॉपरेट लाइफ का द, आ, सपना था एम का सपना था और मैं अपने सपने के टू मेहनत करती गई जब मैं जॉब में थी आ, मैंने एम के लिए मेहनत करी और मेरा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में एडमिशन भी हुआ यहाँ तक मैं अपनी दुनिया में ही थी मुझे एक एम एन लाइफ में एक अच्छी जॉब चाहिए थी और स्टार्टअप बिज़नेस के बारे, बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे घर में कोई भी बिज़नेस नहीं है और सबको हमेशा एक प्रोफेशनल करियर प्रोफेशनल जॉब के बारे में ही ड्रीम्स दिखाए जाते हैं Uh, तो मैंने ऐसे आई एस uh, बी जॉइन करने वाली थी मैं कोविड ईयर था और uh, मैं अपनी जॉब छोड़ चुकी थी बस ज्वाइन करने वाली थी और उसी टाइम पर लॉकडाउन लग गया मैं एक ऐसी बच्ची हूँ जहाँ पे मैं अपनी पूरा करियर को प्लान करके चलती हूँ कि इसके बाद ऐसे ऐसे होगा और जब लॉकडाउन लग गया और मेरी जॉब भी नहीं थी वो एक बहुत ही डिप्रेसिंग सा फ़ेज़ हो गया कि मैं अब क्या करूँगी ना कोई जॉब है ना कोई जॉब दे रहा है और एक ऑनलाइन एम बी करने का मुझे सेंस नहीं लगा उसी टाइम पे मैंने एक अपने रिलेटिव से बात करी जिन्होंने मुझे बोला कि तुम एक साल बिजनेस क्यों नहीं ट्राई करती और इसके ज़रिए मैंने जो मेरा एम बी व्हाट्सएप ग्रुप था उस पर एक व्हाट्सएप डाला कि कोई स्टार्टअप कर रहा है तो मुझे बताएं और मैं भी करने में इंटरेस्टेड होंगी और ऐसे मेरे को फाउंडर वैभव ने मुझे रीच आउट किया वैभव और सौरभ जो मेरे आज को फाउंडर्स हैं वो एक ऑलरेडी स्टार्टअप आइडिया पे काम कर रहे थे जहाँ पे वो डोमेस्टिक वर्कर जिसको आप आम भाषा में मेड कहते हैं उनके लिए एक जॉब गिविंग प्लेटफॉर्म बना रहे थे जब मैंने आइडिया सुना तो मुझे एक इंस्टेंटली रिलेट हुआ कि ये तो बचपन से मैं देखते आई हूँ मेरी मम्मी हमेशा से वर्किंग मदर थी और अगर हमें बचपन से मेड्स या फिर हेल्पर्स नहीं मिलते तो हम कभी पल ही नहीं पाते और मेरी मम्मी कभी करियर पे फोकस ही नहीं कर पाती तो इसके ज़रिए मेरे को लगा कि मेरे को फाउंडर्स का फोकस काफ़ी एनजीओ बैकग्राउंड का था और मुझे लगा कि मैं कस्टमर साइड अच्छा संभाल सकती हूँ क्योंकि मेरे को कस्टमर्स की प्रॉब्लम का आइडिया काफ़ी था तो ऐसे मजाक ही मजाक में एज अ प्रोजेक्ट हमने ये बिज़नेस शुरू किया और मैंने अपना एम एडमिशन को एक साल के लिए पोस्टपोन किया उस एक साल में जहाँ पे लॉकडाउन था हम तीन लोग हर दिन फील्ड पे उतरते थे हम गांव गांव गए बस्ती बस्ती गए हमने हर वर्कर से बात करी उनकी प्रॉब्लम समझी कस्टमर से बात करी उनकी प्रॉब्लम समझी और इस पूरी मार्केट को ऑर्गेनाइज करना चाहा ड्रूमीज एक ऐसा टेक्नीबल प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप हाउस हेल्प कुक या बेबी सीटर हायर कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को बहुत सारी जॉब मिलती है एक कंसिस्टेंट इनकम फेयर वेजेस गुड वर्किंग इन्वायरमेंट हम ये सब वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस इंटरेस्ट फ्री लोन्स फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स अर्ली क्रेडिट ऑफ सैलरीज ये सब भी हम वर्कर्स को देते दे हैं Uh, ये जो हम सब कुछ वर्कर्स के लिए कर रहे हैं ये कस्टमर्स के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल सर्विस है वो अपना पूरा घर इजिली संभाल सकते हैं एक अच्छे कुक के साथ एक अच्छे हाउस हेल्प के साथ और सारी वर्किंग फीमेल्स एक्चुअली अपने करियर पे फोकस कर सकती हैं हमारे पास कोई फंडिंग नहीं थी हमने अपने पैसों से ये कंपनी शुरू करी और सारा काम स्क्रैच से लेकर एंड तक हम ही करते थे हमने मात्र तीस हजार रुपये से शुरू किया था अः तीस हजार ईच मतलब करीबन नब्बे हज़ार की इन्वेस्टमेंट टोटल हमने लगाई थी इस कंपनी से और हम पहले साल में ही प्रॉफिटेबल थे हमने ये बिजनेस ऐसे बनाया था कि फंडिंग आए या ना आए ये एक अच्छा धंधा बने एक अच्छा सॉलिड बिजनेस बने जो सस्टेनेबल रहे तो ऐसे ही करते करते हमने सारा काम किया मैंने अपने मेल को फाउंडर्स के साथ वो सारे काम करे जो उन्होंने करे जैसे कि ब्रोकर से बात करना प्रॉपर्टी रेंट पे लेना बस्तियों में जाना इन्वेस्टर से बात करना लेट नाइटर्स करना रात रात को घर नहीं आना काम करने की वजह से तो जैसे कि मैंने आपको बताया हमने नब्बे हज़ार इन्वेस्ट किया और पहले ही साल में हमने एक करोड़ का रेवेन्यू किया ये इतना आसान नहीं था हमने बहुत मेहनत करी एंड बीइंग अ फीमेल ऑन्टरप्रेन्योर ये ये बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आता है मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव नहीं थी जब मैंने डिसाइड किया कि मैं एम बी जॉइन ही नहीं करूँगी और मैं अपना एडमिशन छोड़ दूँगी उन्होंने सोचा एक लड़की जो पैंतीस लाख की नौकरी पा सकती है आफ्टर एम ये एक मेड एजेंसी का स्टार्टअप क्यों कर रही है मुझे याद है मेरे एक रिलेटिव ने कॉल किया था आ, मुझे थिंकिंग कि मैं एक मेड एजेंट हूँ और मुझसे मेड मांगी और जब उन्हें पता चला कि मैं उनकी रिलेटिव हूँ वो इतने सरप्राइज और शॉक थे और उनका रिएक्शन बहुत गंदा था कि तुम ये काम क्यों कर रही हो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे फीमेल हार्डली आती हैं और फीमेल तो और भी बहुत रेयर हैं Uh, तो जब ये सब होने लगा तो काफ़ी बार मैं भी अपने आप को डाउट करती थी कि मैं क्या कर रही हूँ क्या एम एडमिशन छोड़ना सही था या नहीं था क्या हमें कभी एक्चुअली रियल सक्सेस मिलेगी या नहीं पर मैं uh, ये थॉट्स को साइड साइड में रखे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती रही और काम करती रही uh, ऐसे ही हम एक साल बीत गया और हमने एक करोड़ का रेवेन्यू किया उसके बाद uh, हमने बहुत मेहनत से बहुत मुश्किल से फाइनली फंडिंग भी उठा ली एक ऐसे इन्वेस्टर थे जिन्होंने देखा कि इस इंडस्ट्री में जहाँ पे कोई नहीं आना चाहता मेल या फीमेल इस इंडस्ट्री में हमने अच्छे नंबर्स दिखाए थे उस भरोसे के बेसिस पे हमें साढ़े चार करोड़ का फंडिंग मिला और वहां से हमारी जर्नी और आगे बढ़ी हमने उस साल में तीन लोगों से एक लोगों की टीम खड़ी करी तो आपको लग रहा होगा कि इतनी आसानी से सा साढ़े करोड़ उठा लिया और ये तो सब कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आधे से ज्यादा स्टार्टअप्स को कभी फंडिंग मिलती ही नहीं है और जिनको मिलती भी है उन्हें अपना बहुत ज्यादा कैलिबर और अपना बिजनेस आइडिया अपने नंबर सब कुछ प्रूव करने पड़ते हैं हमने बहुत ही लो कॉस्ट पे एक करोड़ का रेवेन्यू पाया था और हम उस उस टाइम पे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन कर रहे थे इसी वजह से बहुत ही कन्विंस करके हमें इन्वेस्टर्स ने भरोसा करा हमारे ऊपर और तब उन्होंने हमें फंडिंग करा तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप स्टार्टअप करना चाहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही ग्लैमर है और इसमें फंडिंग है तो ऐसा बिल्कुल भी वक्त नहीं करता है आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बहुत सोच के आइडिया लाना पड़ेगा उसका एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और आपको हर हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा आपको फंडिंग आए या ना आए आपका धंधा सॉलिड होना चाहिए जब हमने पैसा उठाया हमने उसको बहुत ही सोच समझ के खर्च किया हमने अपनी टीम बनाने में पैसा खर्च किया जहां से हम अब तीन लोगों से 150 लोगों की टीम है हमने दिल्ली पुणे रांची पूरा नोएडा गुड़गांव और अब बैंगलोर में भी एक्सपैंड कर लिया है आ, साथ ही साथ हमने अपना वर्कर डेटा को काफी इंक्रीज किया आज हमारे पास पचास हजार से भी ज्यादा वर्कर्स जुड़े हुए हैं और हम साढ़े सात हजार घरों में उनकी नौकरी लगा चुके हैं तो इसी दौरान सब कुछ अच्छा चल रहा था हमारे नंबर्स अच्छे थे हमारे कस्टमर्स हमसे खुश थे तो हमने शार्क टैंक के लिए अप्लाई किया हम शार्क टैंक सीजन वन में कम्पलीटली रिजेक्ट हो गए और हमें बहुत धक्का सा लगा कि हमें तो लग था कि हमारा हो ही जाएगा पर हमने आस नहीं छोड़ी हमने शार्क टांग सीजन टू में फिर से अप्लाई किया और पांच पड़ाव के बाद हमें एक्चुअली शूट करने का मौका मिला वहाँ पर जिस दिन हमारा शूट था मेरे दोनों को फाउंडर्स काफ़ी बीमार हो गए थे और मैं मैं वही लड़की हूँ जो बहुत ही इंट्रोवर्ट है जो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट है बट शार्क टाइग के ज़रिए मुझे मौका मिला कि मैं अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलूँ और लोगों को गलत प्रूफ करूँ और वहाँ पर मैंने उस एपिसोड में लीड ली और मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली वहाँ पे इन्वेस्टर्स इतना इम्प्रेस हो गए हमसे कि वो आपस में लड़ रहे थे कि कौन हम पे इन्वेस्ट करेगा फाइनली हमने अमन नामित और पीयूष से डील ली एक करोड़ की डील और शार्क टाइम के बाद हमें इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला कि मेरा एक्चुअली लिंगडिन तो क्रैश ही हो गया आज तक खुलता नहीं है आ, तो आज तक जब जबकि एक साल होने वाला है हमें आज तक लोगों के मैसेजेस आते हैं कि वो हमारी पिछ सुन के बहुत इंस्पायर हुए एक फीमेल ऑन्टरप्रन ने लीड लेके पिच करा उसके बारे में लोगों को यंग यंग गर्ल्स के मैसेजेस आते हैं कि वो बहुत खुश हैं बहुत इंस्पायर हुए हैं तो मैं अगर एक इंट्रोवर्ट ये कर सकती हूँ तो सोचिए आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बाद हमने ढाई करोड़ का फंडिंग और उठाया तो आज तक हम सात करोड़ उठा चुके हैं हमने रेवेन्यू वाइज भी बहुत ग्रो किया आज हमारी कंपनी चालीस करोड़ का टर्न करती है सालाना और उसमें से छ करोड़ का प्योर रेवेन्यू है हर महीने हम पाँच लोगों की और जॉब दिलाते हैं और आज तक हम साढ़े सात हज़ार से भी ज़्यादा लोगों की जॉब दिला चुके हैं मेरी आज डेढ़ सौ की टीम है जिसमें से अस्सी लोगों को मैं डायरेक्ट मैनेज करती हूँ मैं अपनी कंपनी में मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फाइनेंस ट्रेनिंग ये चारों हैंडल्स खुद हैंडल करती हूँ तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़माना बदल गया है फीमेल ऑन्टरप्रनोर्स के लिए बहुत स्कोप है आजकल बस फीमेल ओनली स्पेसिफिक फंड्स हैं गाइडेंस हैं मैंटॉर्स हैं आइडल्स हैं और आम, आप शुरू करोगे तो आपको बहुत लोग सपोर्ट करने के लिए हैं जैसे मुझे लोगों ने सपोर्ट किया तो कई बार ऐसा होगा कि जो आपने सोचा था वैसा नहीं होगा जैसे कि मैंने सोचा था कि एम बी ए करूंगी कॉर्पोरेट लाइफ में जाऊंगी पर आपको क्या पता कि लाइफ ने आपके लिए कितना कुछ कितना बड़ा सोचा इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें